बड़ी मीठी और नवाब किस्म का फ्रूट है, वाओ खाने में मजा आएगा। मज़ेदार, देखें इससे सारा यहाँ का व्यू है, बहुत खूबसूरत है। पूरा बैग मैंने भरा था नाशपतियों का, बहुत सारी है, देख सकते हैं। मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम मुजफ्फराबाद से रवाना हो रहे हैं वादी नीलम, जो हमारी ख़ास मंजिल है। वहाँ बहुत बहुत सुना गया है कि बहुत खूबसूरत है, सोने की चिड़िया कहा जाता है कश्मीर की। तो अभी वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ का व्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ये हमारा होटल और हम लोगों ने पैकिंग वगैरह सारी कर दी, अब फुल तैयार है, अभी निकलते हैं। और जब यहाँ से निकलेंगे होटल से बाहर, तो बाहर का मनाज़िर देखिएगा, कमाल, सामने पहाड़, आबादी, मज़े के लोग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं और बाहर बारिश हो रही है, निकलने ही वाले थे तो बाहर बारिश होने लगी। अभी थोड़ा यहाँ नाश्ता वाश्ता करके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि मैं मुजफ्फराबाद से वादी नीलम की तरफ जा रहा हूँ, तो अभी हम लोग एक रास्ते में रुके हुए, वहाँ मैंने कहा सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए। बहुत बहुत हसीन मंदिर थी, बहुत खूबसूरत जगह थी, और कैमरा मैन इधर जूम करें सामने दिखाएं गाइस को। और बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा माशाल्लाह। तो बाइक पे आया है हम लोग आगे भी बाइक पर ही जाएंगे, तो बहुत बहुत हसीन मंजर है, देख सकते हैं आप ये सारा व्यू बहुत, और आगे वादी नीलम का भी आपको व्यू दिखाएंगे। ये नुमान भाई नाशपतियाँ तोड़ते हुए, और ये देखें ये, और ये तोड़ने के बाद हम लोग रास्ते में खाएंगे। भूख भी लग रही थी, हमने कहा कहीं तो नोमान भी एक फेंकना, जरा कैच करना, मैं व्लॉग दिखाऊं। ओ ओ ओ, ओ, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये देखे नाशपति, वो एक और फेंक, जरा मैं कैच करूं। अबे खाने बाद में यार, तू पहले खा रहा है। ये देखे बड़ी मीठी और नवाब किस्म का फ्रूट है, वाओ खाने में मजा आएगा। वेलकम टू वादी नीलम। वादी नीलम में एक झील है जहाँ हम लोग भूखे हुए, और मज़े की बात यहाँ हम लोगों ने नाशपाती तोड़ी, ताज़ी तोड़ी और खा रहे हैं। अभी एक पूरा बैग भरा था हमने, आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये देखें पूरा बैग मैंने भरा था नाशपतियों का, बहुत सारी है, देख सकते हैं आप, और बहुत मज़ेदार है। देखें हम लोग कितने खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं, हमारी गाड़ी फंस गई थी, अभी निकाली है, तो आगे तो जा रहे हैं लोग, और अभी हम लोग आगे के लिए रवाना हो रहे हैं। तो देखते हैं आगे वादी, तो क्या गंगा चोटी और सॉरी रत्ती गली, वहाँ जाएंगे, वहाँ का आपको। ये गाइस हमारा आखिरी यहाँ से, अब हम लोग यहाँ उतरेंगे, अब यहाँ से आगे 2 घंटे का पैदल रास्ता है रत्ती झील का, फिर आगे आपको आगे का व्यू दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो गाइस अभी हम लोग रत्ती गली झील जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मैं कहूँ जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। देखिए कैसे मनाजिर है, बहुत खूबसूरत, बहुत, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ गाइस। ये हम लोग वादी नीलम की साइड जा रहे थे, तो रास्ते में एक आबशार आई, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाई जाए, तो देखें बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर भी, बहुत खूबसूरत, देख सकते हैं। ये है झील, देखें पानी कितना साफ साफ, वाइट वाइट पानी, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, देखें इससे सारा यहाँ का व्यू है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, इंजॉय करें, इंजॉय। क्या हसी है जमा, धड़कने है जवा, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। ओके बाय गाइस,
अब हम लोग वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं। ओके बाय झील रत्ती गली झील। ओके ओके गाइस, इंशाल्लाह अब आगे मिलेंगे इस्लामाबाद।